हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। तो पहले हमें ये जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर पता करना है। अब रूट्स का नेचर हम कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? रूट्स का नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अब डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो पहले हम डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो मतलब हमारा जो रूट है वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। डी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और डी अगर लेस देन जीरो होता है तो हमारे रूट्स जो वहां पर अनरियल होंगे। तो इस तरीके से हमें रूट्स का नेचर पता होगा चलेगा डिस्क्रिमिनेंट डी की हेल्प से। उसके बाद इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल रूट्स किस किस केस में होता है, जो डी ग्रेटर देन जीरो होता है और डी इक्वल्स टू जीरो होता है। तो अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो आता है या फिर डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो उस केस में हमें रूट्स को निकालना भी है। तो ये रहा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स होती है वो रहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। तो इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस 3 और c की वैल्यू क्या है 5। अब a, b, c की वैल्यूज पता चल चुकी है तो हम डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करते हैं जिससे हमें रूट्स का नेचर पता चले। तो d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b, b की वैल्यू क्या है माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 5। तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया पॉजिटिव 9, माइनस 4 टू साइड 8 5, 4 टू साइड 8 5 इज 40। तो यहां पर ये कितना आ गया माइनस 31 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि ये जो मैंने पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड किया, और डिस्क्रिमिनेंट डी जब मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड किया तो यहां पर डी की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव 31, मतलब डी क्या हो गया लेस देन जीरो। अब जब भी डी लेस देन जीरो होता है तो हमारे रूट्स क्या होती है, अनरियल होते हैं। तो इस केस में हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनरियल। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रूट्स हमें तब निकालने जब वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो इस केस में रियल रूट्स हमें नहीं मिलने वाले, इसलिए हम रूट्स नहीं निकालेंगे, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो को अभी तक हमने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो जिससे कि इस तरह की वीडियो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इस तरीके से आपका सपोर्ट हमें और ज्यादा मिले। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे ए बी सी की वैल्यूज, और इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ गई है 3, b की वैल्यू आ गई है माइनस 4√3 और c की वैल्यू आ गई है 4। अब हम d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 4√3, तो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब यहां पर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 इंटू 3 होगा 48, माइनस 4 4 16 16 3 48। तो यहां पर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 48 माइनस 48 0। तो स्टूडेंट्स जब भी डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो हम रूट्स फाइंड करेंगे क्योंकि यहां पर हमें रियल रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 4√3, तो b की जगह पर मैं माइनस 4√3 पुट कर देता हूं, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू, तो d की वैल्यू हमने 0 फाइंड कर चुके हैं, और a a की वैल्यू हमारे पास क्या 3, तो 3 पुट कर देते हैं। अब इसके बाद आगे x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा 0 अपॉन 2 इंटू 3 को मैं 2 इंटू 3 ही अभी रखता हूं। अब इसके तो मैं यहाँ पे क्योंकि दो रूट्स निकाल रहे, तो एक बार मैं प्लस साइन कंसीडर करूंगा और दूसरी बार नेगेटिव साइन कंसीडर करूंगा। तो पहले मैं प्लस साइन कंसीडर कर लेता, तो x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 2 इंटू, ये जो स्टूडेंट्स 3 है ना, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार √3 लिख सकते हैं,
क्योंकि जब हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री सॉल्व करेंगे तो हमें थ्री ही मिलेगा, और इस तरीके से ये क्या रूट थ्री से ये रूट थ्री कैंसिल हो गया और टू से ये फोर कैंसिल हो गया, आ गया टू। तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ बचा है टू और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है रूट थ्री, तो इस तरीके से हमारा ये पहला रूट आ चुका है टू अपॉन रूट थ्री। और हमें सेकेंड रूट फाइंड करना है, नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो एक्स इक्वस टू फोर रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन टू इंटू थ्री। तो इस बार हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर किया तो इक्वस टू फोर रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट थ्री, ये जो थ्री है हम इसको रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं। अब इसके बाद रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, अगेन टू से फोर कैंसिल हुआ टू आया, तो यहां पर बच रहा है टू अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल और इक्वल रूट्स आ चुके हैं टू अपॉन रूट थ्री टू अपॉन रूट थ्री, क्योंकि यहां पर डी की वैल्यू क्या थी जीरो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर वन में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में जो थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमें डी का नेचर क्या मिलता है और डी के नेचर के अकॉर्डिंग हम वहां पर रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर वन में थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ गई है टू, बी की वैल्यू आ गई है माइनस सिक्स और सी की वैल्यू आ चुकी है थ्री। अब यहां पर इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू है थ्री, तो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जो एट एट थ्री जो ट्वेंटी फोर, तो डी की वैल्यू आ गई है सिक्स माइनस फोर टू और थ्री माइनस टू वन। तो यहाँ पर डी डिस्क्रिमिनेंट क्या 12 है जो कि ग्रेटर देन जीरो, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं लेकिन अनइक्वल। तो यहाँ पर हम रूट्स को फाइंड करेंगे, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट डी, और डी की वैल्यू क्या है हम फाइंड कर चुके हैं 12 अपॉन टू इंटू ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस होगा पॉजिटिव सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व, ट्वेल्व का फैक्टराइजेशन होगा टू टू जा फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू टू जा फोर। तो एक्स इक्वल्स टू सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर। हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो मैं दोनों टर्म्स में से टू कॉमन ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू टू कॉमन लेने पाएगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, टू से फोर कैंसिल टू, तो x की वैल्यू यहां पर आ रही है थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अब इसके हमें यहां पर दो रूट्स चाहिए, तो एक बार प्लस साइन कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं और दूसरी बार माइनस साइन को कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू। अब ये थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और सेकंड रूट आ जाएगा नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें जो थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी थी इसके हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए हैं जो कि रियल और अनइक्वल है क्योंकि डी की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन जीरो। तो स्टूडेंट सीरा इस क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के सॉल्यूशंस पर। स्टूडेंट्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, के अवेलेबल, हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्या दे रखा है कि यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है दो इक्वल रूट्स, और हम जानते हैं कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी जब भी जीरो होता है उसी केस में हमें रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डी डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो गया इक्वल्स टू जीरो हो गया, क्योंकि यहां पर हमें क्या दे रखा है कि रूट्स क्या है इक्वल है। हम इसी का यूज करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ गई है टू, बी की वैल्यू आ गई है के और सी की वैल्यू आ चुकी है थ्री। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है
कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट से इस वजह से हम लिख सकते हैं कि जो d है वो इक्वल टू जीरो है। अब d क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। अब b की वैल्यू क्या है, k, तो k स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है टू, और c की वैल्यू क्या है थ्री, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर k स्क्वायर माइनस फोर टू जो एट, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर, इक्वल टू जीरो हो गया। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। अब k स्क्वायर इक्वल टू 24 है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 24, क्योंकि ये पावर टू हटाएंगे तो अदर साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 को सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई है, 2 का, क्योंकि पेयर बन रहे थे 2 आउटसाइड आ गया, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा था, 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी इसका हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया 2√6 d इक्वल टू जीरो का यूज करके, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें दे रखा है कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है, और इक्वल रूट्स जब भी होती है तो d की वैल्यू जीरो रहती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी इसका ये रहा सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में जो सेकंड इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इसके भी हमें जो k जो दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि kx इंटू एक्स माइनस टू है तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो kx इंटू एक्स होगा kx स्क्वायर, माइनस टू इंटू kx होगा माइनस टू kx, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही तरीके से बन चुकी है। अब यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू के, और सी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। तो क्योंकि इक्वल रूट से तो डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू के, तो माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है, के, और सी की वैल्यू क्या है, सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू जीरो। अब हम एक काम कर सकते हैं, माइनस 24k को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24k। अब यहां पर 4 से 24 कैंसिल हुआ, 6 आया, k स्क्वायर की जो पावर 2 और ये कैंसिल हो गया k, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो यहां पर k की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर टू में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस यहीं तक, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका सपोर्ट हमें इस तरीके से मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन लेकर। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय।